हम लोग की जो ये वीडियो सीरीज़ है, ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिक प्लगइन्स और वर्डप्रेस जो है डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक इफ़ यू हैव अ वर्डप्रेस वेबसाइट तो उसको आप रन कर रहे हैं, अप एंड रनिंग कर रहे हैं, उस वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग आपको करनी है, ठीक है। उस वेबसाइट को आपको जो है लोगों तक पहुंचाना है, ठीक। आपको लोगों से फीडबैक्स चाहिए, ठीक है, लोगों से इंक्वायरी चाहिए। इस तरह से आप ये सब चीज़ें करेंगे। आपको अपनी सेफ्टी भी रखनी है थोड़ा, ताकि आपके लॉगिन अटेम्प्ट्स जो हैं वो आप ब्लॉक कर सकें, या आप एनालाइज कर सकें कि कितने बॉट्स आ रहे क्या आ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ये डिसाइड होगी, आप जो है अपने उसका एनालिटिक्स कर सकें, कितने वेब एनालिटिक्स में आपके जो हम एनालिटिक्स करेंगे उसमें ये रहेगा कि कितने विजिटर्स आए, ठीक है, कहाँ कहाँ से रिफ़र हुए विजिटर्स, रिफरल क्या था उनका, किस वेबसाइट से रिफ़र होके आए, क्या सर्च क्वेरीज उन्होंने यूज़ की, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंट जो भी एनालिटिक्स हैं, हम ये भी देखेंगे कि हम लोग वर्डप्रेस के अंदर एनालिटिक्स के लिए क्या प्लगइन्स यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग गूगल के एनालिटिक्स को किस तरह से अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के पहले हम लोग ये जान लें कि जो ये वाला पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट में आपका, जैसे हम लोग ने SEO SMO वाला जो पार्ट था, ठीक है, वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अपना कर लिया था। हम लोगों ने अपनी इंडिविजुअल पोस्ट के SEO टैग्स को मॉडिफाई करना, SMO टैग्स को मॉडिफाई करना, ये देखा था कि किस तरह किया जाता है। हम लोग जो पार्ट आज देखेंगे वो देखेंगे कि इंडेक्सिंग इन सर्च इंजन्स, ठीक है, ये पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। और जो लोग हम लोग के वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, तो इस वीडियो के पहले दो और वीडियो हैं। जो फर्स्ट वीडियो है उस वीडियो में आपको फीडबैक इंक्वायरी फॉर्म्स बनाना सिखाया गया है, और सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के पार्ट में हम लोगों ने लॉगिन अटेम्प्ट्स को लिमिट करना और सस्पिशियस जो IP एड्रेसेस हैं उनको ब्लॉक करना, ये हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो इसके आगे भी और भी पार्ट्स हैं, लेकिन हम लोग जो है अपने हर एक्शन में, अगर हम अपने जो बेसिक हम लोग के टास्क होते हैं किसी भी वेबसाइट को मैनेज करते टाइम, अगर हम लोग अपने हर एक्शन को जो है इस तरह से बांट दें, टास्क को जो है इस तरह से लिखें, तो हम लोगों को इसके बीच में आपको जो है दिखाई देगा कि हर एक पार्ट में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हम इसको समराइज भी कर देते हैं कि हम लोगों ने क्या प्लगइन्स यूज़ की थी, ताकि जो लोग प्लगइन्स इंस्टॉल करने से फेमिलियर हैं वो सीधे उन प्लगइन्स पे काम कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए हम लोगों ने फीडबैक और इंक्वायरी फॉर्म्स के लिए हम लोगों ने विजुअल फॉर्म बिल्डर प्लगइन का यूज़ किया था, ठीक है।
इस पार्ट के लिए हम लोगों ने योस्ट एसईओ का यूज़ किया था। ये पार्ट हम लोगों ने लॉगिनाइजर नाम की प्लगइन से लॉक किया था। एनालिटिक्स अभी हम लोग ने नहीं लगाया, वो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि योस्ट एसईओ में ही हम लोग इंडेक्सिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग साइट मैप भी देखेंगे कि हम इस प्लगइन में साइट मैप किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये इस वीडियो का आज के टास्क होंगे हम लोग को। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जैसे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हम लोग की योस्ट प्लगइन। योस्ट प्लगइन में एक पार्ट आता है वेब मास्टर टूल्स का, ठीक है। यहाँ पे आप जाके ये देख सकते हैं कि आपके पास बिंग वेब मास्टर टूल्स हैं, गूगल सर्च कंसोल है, यांडेक्स वेब मास्टर टूल्स हैं। यानी कि ये इन तीन सर्च इंजन्स में आपको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए यहाँ से हेल्प करता है। ये पार्ट बेसिकली आप जब वेब मास्टर में अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं तो ये पार्ट काम में आता है। कैसे आता है हम लोग देखते हैं उसको। यहाँ से हम लोग गूगल सर्च कंसोल पे हमने क्लिक किया, ठीक है। जो आपका अकाउंट है आपने उस अकाउंट से लॉग इन किया तो आप सीधे ही रिडायरेक्ट हो जाएंगे गूगल सर्च कंसोल पे के पार्ट पे, ठीक है। नाउ यहाँ पे पढ़िए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप अपनी वेबसाइट, जो आप वेबसाइट का आप यहाँ पे अभी जिसको इंडेक्स करना चाहते हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, उस वेबसाइट को आप पहले वेरीफाई कीजिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का एक ये तरीका है, ठीक है। ये हम लोगों ने कल देखा था। हम लोग का एक और वीडियो है जिस वीडियो में हम लोगों ने ये बताया है कि आप अपनी वेबसाइट का हाउ टू क्रिएट साइट मैप एंड एड इट योर वेबसाइट, है ना। तो मैनुअल साइट मैप्स क्रिएट करना और उनको जो है अपनी वेबसाइट पे जोड़ना, इसके ऊपर हम लोग का एक वीडियो है। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस वीडियो में हम लोगों ने कुछ और एक साइट मैप वेरिफिकेशन मेथड समझा है। ठीक उसी तरह से ये HTML फाइल भी वेरीफाई होती है। हम लोग अभी जो मेथड यहाँ पे देखेंगे अपने इस केस में, वो हम लोग एक HTML टैग से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कंटेंट कॉपी किया, ये सिर्फ इतना पार्ट कॉपी नहीं, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, पहली चीज आप अगर इस मेटा टैग को अपने वेबसाइट के हेड में ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पर वर्डप्रेस में क्या होता है, कई बार प्लगइन्स, कई बार थीम्स अपडेट होती हैं, ठीक है। और तो ऐसा करने पे कई बार ये डिलीट हो सकते हैं ये एंट्री। हम लोग जो है अभी ये देख रहे हैं कि हम लोग योस्ट से किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने इसको किया, सेव चेंजेस किए, ठीक है। अब ये कह रहा है एक न्यू इशू है आपका, ये कह रहा है अकाउंट लिंक्स, ठीक है।
से वापस आते हैं। तो हमने इसको सेव कर दिया ऑलरेडी, अब हम इसको जो है वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से देखा कि ये वेबसाइट जो है वेरीफाई हो गई। ठीक है, हम ये भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये वेबसाइट जो है एक और इसका ओनर है। ठीक है, पर हमारा काम था कि अभी हमें ये डिमॉन्स्ट्रेट करना था। ठीक है, हम वेरीफाई जब हमारा हो जाता है तो हम इसको देखते हैं कि सर्च कंसोल में ये कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सर्च कंसोल में आपको आपकी सारी वेबसाइट्स दिखाई देती हैं। ठीक, इसी में आपको आपकी वो वेबसाइट भी दिखाई देनी चाहिए। हम लोग एक बार जो है वेरीफाई करने के बाद यहाँ से ऐड अ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग HTTP .tk ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वेरीफाइड है। हम लोग इसको HTML टैग मेथड से ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपने वेबसाइट के अंदर आ गए, यानी कि एक DNS एरर दिखा वो देखेंगे अभी। तो आपको ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरे उससे इसमें साइट में आप दूसरे ईमेल आईडी से ऐड कर चुके। ये जो खुल रहा है ये क्या पेज करना था साइट मैप? हाँ जी, साइट मैप ऐड करने का पार्ट है। अभी हम लोग ये साइट मैप एक फीड साइट मैप है, अभी हम लोग इस पर और डिस्कस करेंगे, अभी आप इस पर कंफ्यूज ना हो। तो आपका जो है जब आप वेबसाइट गूगल वेब मास्टर टूल्स में ऐड करते हैं तो इस तरह से आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आती है। ये वो पार्ट है जहाँ पे आपका सर्च एनालिटिक्स आएगा। सर्च एनालिटिक्स में आप ये देख सकते हैं कि कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया तो उसने क्या क्वेरी पोस्ट की थी गूगल के ऊपर जिसकी वजह से वो आया, कितने टोटल क्लिक्स हुए एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, वेब से कितने यूज़र्स आए डायरेक्टली आपके साइट सर्च कर। ठीक है, यानी डेस्कटॉप से कितने यूज़र्स आए और मोबाइल से कितने यूज़र्स आए, ये सब आपको ये सर्च एनालिटिक्स देता है। ठीक है, इसकी मदद से आप अपना जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, जब अगर आपकी वेबसाइट में जब हम लोग अभी स्कीम ऑफ लॉगिन भी सीखेंगे इसमें, तो इसकी मदद से आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर्ड डेटा है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये रिच कार्ड्स है, डेटा हाइलाइटर है। ठीक है, तो ये डेटा हाइलाइटर टूल आपकी वेबसाइट के पोस्ट को, आपकी वेबसाइट के पेजेस को हाईलाइट करने के काम आता है। अभी कुछ ये लोड हो रहा है, हम लोग करेंगे धीरे धीरे। अभी ये कह रहा है कि हम स्टार्ट हाईलाइट करना शुरू करें, हम लोग इस पार्ट पे बाद में आएंगे। ये आपका सर्च एनालिटिक्स है जो आपको अलग अलग मैट्रिक्स देगा। ठीक है, हम लोग अभी अपनी किसी और वेबसाइट को जो है एनालाइज भी करके देखते हैं लोग लेटर पार में। हम लोग का भी काम था योस का यूज़ करके अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करना। अब ये कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, यानी कि अब इस वेबसाइट पे आने वाले विजिटर्स जो भी सर्च से आएंगे, क्योंकि ये सर्च से रिलेटेड है केवल। ठीक है, तो आप जो है उसको यहाँ से उठा सकते। इसका एक बहुत अच्छा पार्ट ये इंटरनेशनल टारगेटिंग है। अगर आप
किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज या किसी पर्टिकुलर कंट्री के विजिटर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो आप उनको जो है टारगेट यहाँ से कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इंडिया के यूज़र्स को टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। हम लोग गूगल वेब मास्टर टूल्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग ये सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी का हमारा पार्ट है ये डिस्कस करना कि हमारी जो ये नई वेबसाइट है इसको हम गूगल में प्रॉपरली इंडेक्स कैसे करें, ठीक है। अभी मैं इसको कैंसिल कर दूँ, तो ये हो गया। ठीक इसी तरह से बिंग में और या इंडेक्स में भी वेबमास्टर टूल्स होते हैं, उसमें भी आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हैं। बिंग भी इसी तरह से एक मेटा टैग देता है, उस मेटा टैग में ये इस तरह का एक कीवर्ड होता है, एक कोड होता है बेसिकली, और इंडेक्स भी यही करता है, ठीक है। इंडेक्स में लेकिन उसके लिए हमें इंडेक्स में आईडी भी तो बनानी पड़ेगी। हाँ, आपको इंडेक्स की आईडी चाहिए, आपको बिंग की आईडी, बिंग जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट है, तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी आईडी है, आउटलुक वाली, हाँ, हॉटमेल हो, आउटलुक हो, live.com, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे इस वीडियो के हम लोग आते हैं। अब जैसे आपने सर्च कंसोल में ऐड किया तो नीचे आपका ये सर्च कंसोल भी आ रहा है और इसमें आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम लोग का भी जो यहाँ पे योस्ट का पार्ट आ रहा है तो इसमें अभी बेसिक सेटिंग्स आ रही हैं। अगर हमको एडवांस सेटिंग्स चाहिए तो हम लोग यहाँ से एडवांस सेटिंग इनेबल कर सकते हैं, ठीक है, और इसको सेव चेंजेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेन्यू आपका बढ़ जाता है, ठीक है। ये एडवांस सेटिंग है, नया उनका अपडेट है, ये होता ही है इनके पास, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो बंद रहता है। अब इसमें एक पार्ट है XML साइट मैप्स का, जब हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग जो है ये डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में साइट मैप बनाना भी सीखेंगे। साइट मैप बनाने के लिए बहुत सारी और भी प्लगइन्स हैं, उससे पहले ये कि साइट मैप होता क्या है, तो साइट मैप इन शॉर्ट जो है आपकी सारी वेबसाइट, आपकी पूरी वेबसाइट में जितने भी लिंक्स होते हैं, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि उन सब लिंक्स का एक कलेक्शन है, स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कलेक्शन है, ठीक है, जो हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस भी कर चुके हैं। साइट मैप को डिफाइन करने के लिए जैसे हम लोग अभी टैग्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टैग्स हैं जिसमें आपकी वेबसाइट के सारे URLs को, इमेजेस को डिफाइन किया जाता है। हम यहाँ से XML साइट मैप को ओपन करते हैं। अब ये कह रहा है कि आप अपना XML साइट मैप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने इसको ओपन किया तो इसने अब क्या है, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्डप्रेस में पोस्ट्स होती हैं, पेजेस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, इमेजेस होती हैं, इमेज अभी इंक्लूडेड नहीं है इसमें, तो आप पोस्ट जब आपने क्लिक किया तो आपके वेबसाइट पर होने वाली दोनों पोस्ट यहाँ पे दिखाई देती हैं। अभी तक हैं जो भी हम लोगों ने पेजेस ऐड किए हैं वो पेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, जो भी कैटेगरीज हैं जिनमें पोस्ट की गई, लाइक हम लोग ने लास्ट टाइम पॉलीक्रिस्टलाइन कैटेगरी में, तो वो कैटेगरी भी इंक्लूड की गई है, ठीक है। तो इससे जो है हम लोगों को एक आइडिया ये मिलता है कि हम लोगों का जो साइट मैप प्लगइन है उसमें वो
is a collection of some other sitemaps as well, some other XML files. Posts भी अलग हैं, pages भी अलग हैं और categories भी अलग हैं. यहाँ पे इसका URL अभी sitemap underscore index आ रहा है, और आप अगर इसको by default ऐसे type करते हैं sitemap.xml तो ये उसी पे redirect होता है. तो आपके काम का जो URL है अभी के केस में वो है sitemap.xml. अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एक डायनेमिक साइट मैप कैसे है. इसके पहले जो वीडियो हम लोग ने देखा या जो भी सीखा उसमें हम लोगों ने देखा कि हम लोग स्टैटिक साइट मैप्स कैसे बना सकते हैं या मैनुअली साइट मैप्स कैसे बना सकते हैं. इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग एक डायनेमिक साइट मैप जनरेट कर रहे हैं. डायनेमिक का मीनिंग ये है कि सपोज कीजिए अभी मैं यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एक कैटेगरी आ रही थी मेरे पास. अब मैं यहाँ पे गया, मैं पोस्ट में गया और मैंने कैटेगरी सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये मोनोक्रिस्टलाइन है अभी इसमें पोस्ट एक है तो वो उसको दिखा रहा है, ठीक है. मोनोक्रिस्टलाइन कैटेगरी है, मैंने एक पोस्ट ऐड की यहाँ से, ठीक है, एक सिंपल सी पोस्ट मैं कर रहा हूँ बाय मोनो. ठीक है, कुछ यहाँ पे अभी हम लोग एक पोस्ट का कंटेंट जो है लिख रहे हैं, इसको मैंने कैटेगरी दे दी मोनोक्रिस्टलाइन. हम लोग ऑब्वियसली इमेज करेंगे, फोकस कीवर्ड करेंगे जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम किया. अभी हम लोग इसको पब्लिश कर रहे हैं तो एक पोस्ट मेरी ऐड हुई, ठीक है. हम इसको जो है बैक करते हैं, हम यहाँ से पोस्ट में जाते हैं. आपने देखा वो पोस्ट यहाँ पे आ गई. अभी उसमें जैसे लास्ट वाली पोस्ट में इमेज थी, इसमें इमेजेस जीरो लिखा है. हम इस पार्ट में गए, हम कैटेगरी में गए और यहाँ पे पॉली के साथ मोनो भी आ गया, ठीक है. तो आपको ये चीज़ मैन्युअली नहीं करनी पड़ी. आपका काम सिर्फ इतना अब रहा है इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद कि आपको अब अपने पोस्टिंग से मतलब है, आप पोस्ट को सुधारिए. अभी पोस्ट का कंटेंट में कोई वर्ड्स नहीं है, आप अच्छे से जो है लिखिए. ये तो एक ऐसे ही पोस्ट लिखी है, आप अगर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कीजिए या जो भी आप लिखना चाहते हैं कंटेंट. तो अब आपका फोकस रहेगा कि आप कंटेंट पे अपने ज़्यादा ध्यान दें और ये आपके लिए इस टाइप की प्लगइन्स अपने आप बाकी चीज़ें मैनेज कर रही हैं. अब आपका काम ये है कि ये जो आपका URL है sitemap.xml, ये URL आप जो है गूगल को हैंड ओवर कर दें तो आपके जितने भी URLs हैं अभी तक तीन चार, इसमें कुछ, इसमें कुछ, इसमें वो सब गूगल के पास पहुंच जाएंगे. अब जब आप अपनी इसमें कोई भी नई पोस्टिंग करते तो वो चीज आपकी अपने आप इसमें पहुंचती रहेगी और यहाँ से आपके सर्च कंसोल में आपके साइट मैप के पार्ट में पहुंचती रहेगी, ठीक है. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंडेक्स स्टेटस दिखाता है आपका, ठीक है, लास्ट ईयर टोटल नंबर होगा. हम डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ से आपको ये, अभी हम लोग ने एक साइट मैप क्योंकि इंडेक्स किया था तो हम लोग जो है उस साइट मैप को, ये फीड है, ठीक है, इसमें एक इशू भी आ रहा है. फीड जो होता है ये 15 जुलाई को सबमिट किया गया था,
फीड जो होता है वो आपकी वेबसाइट के आरएसएस फीड्स हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपकी, ये बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस आपको देता है, ठीक है। इसमें आपको इस तरह से सिर्फ पोस्ट आती हैं, तो कई केसेस में इस टाइप की पोस्ट जो होती हैं, इस टाइप के फीड्स जो होते हैं, वो भी साइट मैप की तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। क्योंकि अभी हमने फीड में मैन्युअली तो ये पोस्ट नहीं डाली ना, पर ये अपने आप आ चुकी है, तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक चीज़ हो रही है। पर ऐसा करने पे पेजेस के यूआरएल और कैटेगरीज के यूआरएल, ठीक है, वो आपके नहीं अभी इसमें दिखाई दे रहे। इस साइट मैप में आप ज़्यादा कंट्रोल है आपके हाथ में, तो जो यहाँ पे दे दिया वो सप्लाई कर दिया, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे हम लोग वो यूआरएल डाल देते हैं, sitemap.xml, इसको टेस्ट करा, ठीक है, टेस्ट कंप्लीट, टेस्ट का रिजल्ट देखा, ठीक है। अब इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो है वो 3 और हैं इसमें, वो भी ऐड हो जाएंगे, और आपका कोई एरर नहीं है इस साइट मैप में। इस साइट मैप में जो भी प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है वो सही है। अब आपने इसमें फिर से साइट मैप डॉट एक्सएमएल यहाँ से ऐड किया और सबमिट कर दिया। आप इसको रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। रिफ्रेश करने पे आपका जो है वो इसमें इंडेक्स हो जाएगा, तो आपके जो है यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है कि आपके वेब पेजेस 2 सबमिटेड है जिनमें दोनों इंडेक्स हो चुके हैं। ये पहले का स्टेटस है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जो साइट मैप सबमिट किया है तो उस साइट मैप को ओपन करने पे आपके उसके तीनों चाइल्ड आ गए। अब इसमें देखिए सबमिटेड नंबर ऑफ यूआरएल दिखा रहा है, और वेब दिखा रहा है, और इमेजेस पार्ट भी दिखा रहा है। आपके पोस्ट में 2 वेब के पार्ट है, यानी 2 वेब यूआरएल हैं, 1 इमेज है, ठीक है। उसी तरह से पोस्ट में, पेज में 6 है जिनमें 4 इमेज हैं, ठीक है। तो आपको जो है इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपका ये पार्ट आ गया, ठीक। तो जो हम लोगों की वर्डप्रेस सीरीज है उसमें हम लोग ने जो अभी हम लोग सुबह डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग जो है आज हम लोगों ने ये देखा कि हम सर्च इंजन में किस तरह से इंडेक्सिंग करते हैं और साइट मैप कैसे डालते हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि साइट मैप में यूआरएल्स को इंडेक्स करने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। आप अगर एक एक करके डालना चाहते हैं, आप यहाँ पे सिंपल टाइप कीजिए गूगल यूआरएल सबमिट, और यहाँ पे आप अपना यूआरएल पेस्ट कर दीजिए और उसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए कि अभी अभी जस्ट मैंने ये पोस्ट की थी, अभी हम लोग ने जस्ट 10 मिनट पहले, मैं इस यूआरएल को जो है मैन्युअली इंडेक्स करना चाहता हूँ, यहाँ पे करके मैं इसको यहाँ से सबमिट कर सकता था, ठीक है। तो कह रहा है पेजेस में इमीडिएटली नॉट बी ऐसा, तो ये मैनुअल प्रोसेस है। इस तरह से आपको एक एक करके जो है कई बार यूआरएल्स को सबमिट करना पड़ता है, पर कई बार हम लोग ये भी करते हैं इस्तेमाल, मगर एक ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप साइट मैप्स का यूज़ करें, ठीक है। हम लोग साइट मैप जनरेटर प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हैं, साइट मैप जनरेटर प्लगइन वर्डप्रेस में कर सकते हैं, कोई नॉन वर्डप्रेस कोई बेसिक स्टैटिक वेबसाइट है उसमें हम लोग ने एक मैनुअल साइट मैप का तरीका भी देखा है, वो लास्ट टाइम है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है वेबसाइट के प्रॉपर इंडेक्सिंग। इसके आगे देखिए
आप लोग जो हैं अभी जैसे हम लोग ने इसका टाइटल कुछ लिखा वो आ गया, आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग इसके अंदर आ गई लिख के, ठीक है, पोस्ट को आप जो है फोकस कीवर्ड से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसमें इमेजेस लगा सकते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, वो सब ठीक है, एक अच्छा सा कंटेंट लिख सकते हैं, पर जो भी चीज़ें हम लोग को करनी हैं वो हम लोग जो है करते हैं, पर जो साइट मैप वाला पार्ट है ये आपका मैन्युअली मैनेज होता रहता है। तो आपके वेबसाइट से नए सारे URLs इसमें जाते, आप ये कंट्रोल भी कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सपोज कीजिए किसी को अपने वेबसाइट का कोई पार्ट नहीं इंडेक्स करना है, तो आप यहाँ पे पोस्ट टाइप में आइए, और जैसे अभी मीडिया नहीं है साइट में आपने, आप पेजेस को नहीं करना चाहते हैं हटा दीजिए, तो पेज नहीं इंडेक्स होंगे, है ना। अगर कोई पोस्ट है सपोज कीजिए, तो हर पोस्ट की एक आईडी होती है, ये आप जैसे इस पोस्ट पे गए तो आप जो है इस पोस्ट की आईडी 45 है, ठीक है, ये आपको नीचे दिख रही है, ठीक है, तो इस पोस्ट की ये आईडी है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कैसे देख सकते हैं। आप यहाँ पे एडिट कीजिए और आपको दिख रहा है 45, है ना, पोस्ट इज इक्वल टू 45 इन एक्शन इज इक्वल टू एडिट, तो ये आईडी है, ये आपकी, तो आपको अगर वो पोस्ट नहीं इंक्लूड करनी है आप जो है उसी कंसोल में जाइए और वहाँ पे एक्सक्लूडेड पोस्ट में बस उसकी आईडी लिख दीजिए, वो पोस्ट नहीं होगी। तो इतना कंट्रोल है हमारे पास। टैक्सोनॉमीज क्या होती हैं, जैसे कैटेगरी एक टैक्सोनॉमी है, टैग एक टैक्सोनॉमी है, पोस्ट का फॉर्मेट, तो अगर हम इनको नहीं करना चाहते इंडेक्स, मान लो कैटेगरी को नहीं करना चाहते, कई बार क्या होता है कैटेगरी में सेम कंटेंट बार बार रिपीट होता है, तो हम ये नहीं करना चाहते हैं अगर, नहीं करेंगे, ठीक है, तो अपनी च्वाइस है। अभी के लिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं।